हेलो दोस्तों आप लोगों की काफी सारा डिमांड था इन्फिनिक्स जी टी टेन प्रो के साथ नॉट सी थ्री का डिटेल कंपेयर करने के लिए ऐसे भी दोनों फोन की प्राइस के बीच में सेवन थाउजेंड रुपीज का डिफरेंस है इसलिए तो बहुत सारे दोस्त कंफ्यूज है ये दोनों फोन लेकर आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा और आपको अच्छी तरीके से पता चल जाएगा ये दोनों फोन से कौन सा फोन बेस्ट है तो चलिए दोस्तों कंपेरिजन शुरू बात करता हूँ दोनों फोन की डिस्प्ले से डिस्प्ले की बजल और चेन की तरफ देखा जाए वन प्लस का बजल और चेन बहुत ही छोटा रखा है दोनों फोन में सेंटर पंचोल है और दोनों फोन में वन ट्वेंटी का रिफ्रेश रेट है लेकिन इनफिनिक्स में जो वन ट्वेंटी का रिफ्रेश रेट है वो हर ऐप में काम करता है वन प्लस में जो वन ट्वेंटी हर्ट्स का रेट है सिर्फ एप डॉर में काम करता है और होम स्क्रीन में काम करता है जब आप ऐप को ओपन करोगे सब ऐप जो है वो 90 में काम करता है दोनों फोन में ब्राइटनेस बहुत ही अच्छा मिलता है इंडोर आउटडोर में आप आराम से यूज कर सकते हो डिस्प्ले की साइज की बात किया जाए तो वन प्लस का डिस्प्ले का साइज स्लाइटली बड़ा है ए फोन आता है 6.7 पॉइंट सेवन इंच एच डी प्लस एमोलेट पैनल के साथ और इनफिनिक्स आता है 6.67 इंच एमोलेट पैनल के साथ दोनों फोन में आप यूट्यूब पर फोर के एच डी आर कॉन्टेंट सकते हो लेकिन वन में फोर के हीरो अटक अटक के चलता है ये वीडियो सैंपल जो आप देख रहे हो ये फुल एच में प्ले हो रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हो जो कलर कंट्रास्ट डिटेलिंग है वो वन प्लस में स्लाइटली बेटर दिखाई दे रहा है ऑब्वियसली दोस्तों वन प्लस में जो एमोलेट यूज किया है वो थोड़ा सा महंगा एमोलेड है इसके वजह से दोस्तों इसमें जो कलर कॉन्ट्रेस्ट आ रहा है इनफिनिक्स से बेटर है प्लस पॉइंट है इसमें आई ब्लास्टर मिलता है इस फोन को आप एज ए रिमोट की तरह यूज कर सकते हो जो इनफिनिक्स में नहीं मिलता है ऐसे भी दोनों फोन में डुअल स्टूडियो स्पीकर है लेकिन लाउडनेस और क्लियरिटी की बात किया जाए तो वन प्लस रहता है खैर दोनों फोन में नेटवर्क कनेक्टिविटी इशू लेकर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा क्योंकि वन प्लस में है एट बैंट फाइव जी इन्फिनिक्स में फोर्टीन बैंट फाइव जी दोनों फोन में फोर प्लस कंटिन्यू मिलता है गेम खेलने के दौरान या मूवी देखने के दौरान नेटवर्क का प्रॉब्लम नहीं आएगा बाकी दोनों फोन में डुअल माइक है इसको बहुत ही अच्छी तरीके से कैंसिलिंग कर लेता है अब दोनों फोन में एस कार्ड को यूज कर पाओगे इन्फिनिक्स में डिफॉल्ट इन्फिनिक्स के डायलर है इस फोन में आप चुपके से कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हो वन प्लस में चुपके से कॉल रिकॉर्डिंग करने के लिए प्ले स्टोर से आपको ओ डायलर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा बाकी दोनों फोन में एन भी मिलता है बात रही दोनों फोन की डिजाइन के बारे में दोनों फोन को जब आप साइड बाई साइड देखोगे इन्फिनिक्स का डिजाइन आपको जरूर पसंद आएगा हालांकि इनफिनिक्स का फोन हल्का सा भारी है वन प्लस सेन सिर्फ 191 ग्राम का आता है इसका जो फ्रेम है पॉलीकर्म का बना हुआ है इसका जो बैक पैनल है वो ट्रांसपेरेंट बैक का इफेक्ट देगा ऐसे भी इसके बैक पैनल में कलर चेंजिंग का फीचर्स भी मिलता है जब पीछे यू भी लाइट पड़ता है कलर चेंज होता है और कलर चेंज होने के बाद फोन देखने में काफी खूबसूरत लगता है इस फोन को जब आप यूज करोगे लोग देख कर बताएगा भाई थोड़ा महंगा फोन है लेकिन इसका प्राइस तो सिर्फ बीस हजार है पीछे में है पॉली कार्मेट बैक इसमें मैट फिनिशिंग है क्रैसेस नहीं आता है फिंगर का निशान भी नहीं आता है ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ क्वाट एलईडी फ्लैश लाइट है इसकी बैक में और एक खास चीज है जो है बैकलिट लाइट जब आप चार्ज में लगाओगे ये बैकलिट लाइट जलता है इस लाइट को आप कस्टमाइज भी कर सकते हो वन प्लस का डिजाइन भी इतना बुरा नहीं है वन प्लस का जो कलर चॉइस है मुझे बहुत ही अच्छा लगा है सिंपल डिजाइन के साथ आता है इसका जो फ्रेम है पॉलीकार्बोनेट का बना हुआ है फ्लैट फ्लैटिस के साथ आता है फोन पतला है और हल्का है सिर्फ 187 ग्राम का आता है इसके पीछे में ग्लास बैग है इसमें तो क्रैसेस नहीं आता है लेकिन फिंगरप्रिंट का निशान थोड़ी बहुत आता है पीछे ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ एक एलईडी फ्लैश लाइट है ऐसे भी दोनों फोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है जो हर बार एक्यूरेट और फास्ट काम करता है इंथेिक्स में आईपी फिफ्टी थ्री का रेटिंग है वन प्लस में आई पी फिफ्टी फोर का रेटिंग है क्योंकि दोस्तों इस बारिश के टाइम में ये दोनों फोन जो है छोटा मोटा वाटर प्रूफ फोन है बात रही दोनों फोन की कैमरा के बारे में तो दोनों फोन की पीछे में है ट्रिपल कैमरा सेटअप

देखने को मिलेगा कुछ पेड़ पौधा का फोटो और स्काई की कलर के कलर की तरफ देखा जाए आप यहाँ पर देख सकते हो वन प्लस जो है कलर को बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर रहा है लेकिन जब स्किन टोन की बारी आता है तो मुझे वन प्लस से इन्फिनिक्स का जो स्किन टोन का कलर है वो तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है ऐसे भी आप यहाँ पर देख सकते हो टी शर्ट का कलर जो है इन्फिनिक्स बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज कर रहा है हर फोटो में पीछे की तरफ जो डायनेमिक रेंज है इन्फिनिक्स उसको बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रेजेंट कर रहा है और एक चीज आप नोटिस करो इनफिनिक्स थोड़ा सा ब्राइट फोटो कैप्चर करता है वन प्लस थोड़ा सा डार्क फोटो कैप्चर करता है इन्फिनिक्स में थर्टी टू मेगा का सेल्फी कैमरा वन प्लस में है सिर्फ सिक्सटीन मेगा पिक्सल सेल्फी कैमरा क्यूंकि आधा सेंसर मिल रहा है लेकिन फोटो की डिटेलिंग की तरफ आप देखो दोस्तों इनफिनिक्स में इतना घटिया डिटेलिंग आ रहा है मैं आपको क्या ही बताऊँ आप थोड़ा सा नोटिस करो वन की फोटो में कितना अच्छा डिटेलिंग दिखाई दे रहा है लेकिन दोस्तों इसमें कलर कंट्रास्ट में थोड़ी सी अंतर है मेरा टी शर्ट का जो एक्यूरेट कलर है वो इनफिनिक्स की फोन में मिलता है इन्फिनिक्स हर फोटो में पीछे की तरफ जो डायनेमिक रेंज है उसको अच्छी तरीके से मैनेज करता है लेकिन सेल्फी कैमरा में स्किन टोन आप देख सकते हो वन प्लस में थोड़ी सी बेहतरीन मोड पर मैंने फोटो खींचा था तो HD को ठीक ठाक तरीके से मैनेज कर लेता है HD को इतनी अच्छी तरीके से मैनेज नहीं कर पाता है दोनों फोन की बैक कैमरा से आप फोर के में वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है फुल एच डी सिक्सटी एपीएस में तो आप यहाँ पर कलर कॉन्ट्रास्ट देख सकते हो स्टेबिलाईजेशन की बात किया जाए तो वन प्लस का स्टेबिलाईशन बहुत ही अच्छा है दोस्तों बात किया जाए यहाँ पर ऑटो फोकस के बारे में तो यहाँ पर आप देख सकते हो इनफिनिक्स का ऑटो फोकस कितना घटिया है वन प्लस का ऑटो फोकस बहुत ही फास्ट है बाकी साउंड को भी स्विच करके सुना दूंगा साउंड का भी इनफिनिक्स केन प्लस के सेल्फी कैमरा से आप फुल एच में वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो ये जो वीडियो सैंपल आप देख रहे हो ये फुल एच में रिकॉर्ड हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हो कलर कॉन्ट्रास्ट में सिर्फ डिफरेंस मिलेगा ऐसे भी दोनों फोन स्टेबल वीडियो रिकॉर्ड नहीं करता है आपको जिसका कलर पसंद है आप उसके तरफ जा सकते हो दोनों फोन हाल फिलहाल में एंड्रॉइड 13 में रन हो रहा है स में है ऑक्सीजन थर्टीन इसमें दो साल का सॉफ्टवेयर अपडेट और तीन साल का सिक्योरिटी ऐप भी नहीं आता है क्योंकि तो इनफिनिक्स में बहुत ही अच्छा काम कर रहा है क्योंकि तो दोनों फोन में आपको क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस मिलेगा लेकिन दोनों फोन में बहुत ही अच्छा अच्छा फीचर्स मिलता है जैसे कि ऐप को लॉक करना हो ऐप को हाइड करना हो ऐप को क्लोन करना हो और प्राइवेट सेट वगैरह दोनों फोन में मिल जाता है खैर परफॉर्मेंस की बात किया जाए तो इन्फिनिक सिटी टेन प्रो में है डायमेंड सिटी एट जीरो फाइव जीरो जो कि सिक्स नैनोमीटर पर बना हुआ है वन प्लस में है क्वालकॉम स्नैपड की तरफ से 782G जो कि 6 नैनोमीटर पर बना हुआ है दोनों फोन में स्कोर कितना है, आप पर देख सकते हो जैसे देख सकते हो ऐप ओपनिंग वन प्लस से कई गुना फास्ट है में। अगर आप फोन को नॉर्मल यूज करते हो तो आप ये दोनों फोन से कोई भी एक फोन को ले सकते हो दोनों फोन मस्त है कभी भी हैंग वगैरह नहीं होगा लेकिन अब गेमिंग पर्पस के लिए फोन लेना चाहते हो तो आपको जाना चाहिए इन्फिनिक्स के साथ ऐसे भी दोनों फोन में बीजे में जैसा गेम आप सिक्सटी पीस में खेल सकते हो जब मैंने दोनों फोन में गेम प्ले किया था मुझे इन्फिनिक्स का जो गेमिंग परफॉर्मेंस है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है गेम खेलने के दौरान इसमें स्मूथनेस मुझे थोड़ा सा बेहतरीन मिला है बाकी दोनों फोन में जायरो का परफॉर्मेंस भी अच्छा मिल जाएगा लेकिन हीटिंग की बात किया जाए तो वन प्लस एकदम गर्म नहीं होता है इनफिनिक्स जो थोड़ा बहुत हीट होता है 40 डिग्री को इजीली क्रॉस कर लेता है बाकी दोनों फोन में एलपीडी डे फोर एक्स का रैम है, है दोनों फोन में रैम मैनेजमेंट ऑलमोस्ट सेम मिल जाता है क्योंकि दोस्तों अगर आप प्रो गेमर हो आपको चाहिए एक ऐसा फोन जो गेम खेलने के दौरान भाई अच्छा परफॉर्मेंस निकल कर दे तो इनफिनिक्स जी डी आपके लिए सबसे अच्छा होगा खैर दोनों फोन में फाइव थाउजेंड की बैटरी है अगर आपको चाहिए फर्स्ट चार्जर के साथ साथ थोड़ा बहुत अच्छा बैटरी बैकअप फोन तो आप वन प्लस के तरफ देख सकते हो मुझे इनफिनिक्स से वन प्लस का जो बैटरी बैकअप है स्लाइडली बेटर लगा है चलिए दोस्तों आप सीधी सी बात करते हैं ये दोनों फोन से कौन सा फोन बेस्ट है और कौन सा फोन आपको लेना चाहिए दोस्तों अगर आपका बजट टाइट है आप ज्यादा गेम वगैरह खेलते हो तो आप आंख बंद करके टेन प्रो को ले लीजिए इसका डिजाइन और गेमिंग का परफॉर्मेंस खतरनाक है दोस्तों जो इस प्राइस रेंज में कोई भी नहीं देता है अगर आपको वन प्लस की ब्रांडिंग के साथ साथ अच्छा कैमरा फोन अच्छा डिस्प्ले फोन लेना है तो आप वन प्लस की तरफ देख सकते हो मुझे इसका कैमरा बहुत ही पसंद आया अगर आप कैमरा सेंट्रिक फोन की तलाश में हो तो आप बजट को बढ़ाकर वन प्लस की फोन की तरफ आ सकते हो ऐसे भी दोस्तों दोनों फोन के बीच क्या क्या अंतर है मैंने तो आपको बता दिया मुझे लग रहा है अब आप आपके नेट्स के हिसाब से कोई भी एक फोन को चूज कर सकते हो तो आपको क्या लग रहा है कौन सा फोन आपके हिसाब से बेस्ट हो रहा है अब मुझे कमेंट में बता दीजिए मुझे भी तो पता चलेगा बाकी वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए हो सके तो ये वीडियो आपके दोस्त के साथ शेयर कर देना जो दोस्त ये दोनों फोन लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है